आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, इस स्टॉक को आप कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे देखेंगे अच्छी तरह से आप मेजरमेंट किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को आप कैसे करेंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक आपको मेनू दिखाई दे रहा है, इसमें आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसमें नीचे में प्राइस रेंज एंड डेट रेंज है, तो आप प्राइस रेंज में आपको क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आप किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को आप मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस लेवल से कितना पॉइंट नीचे आया है, हाई एंड लो पॉइंट को देखना चाहता हूँ। तो देखिए 500 पॉइंट आपको आया है, यानी आपको माइनस हुआ है करीब करीब 1% के करीब करीब ये माइनस हुआ है, तो आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप इसको कैसे अच्छी तरह से मेजरमेंट करेंगे, तो आप देखिए इसको आप डे बेसिस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डे बेसिस में कन्वर्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ से तो आपको कितना हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट को लगाना है, तो मेजरमेंट करना है। तो आप देखिए यहाँ से इस लेवल से इस लेवल को आप कितना परसेंटेज माइनस हुआ है, यानी कितना गिरा है, तो आप कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो आप मेजरमेंट करने के लिए यहाँ से लगा सकते हैं इस पॉइंट को, लो पॉइंट को आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से 1363 पॉइंट आपको 1363 पॉइंट यानी 1363 पॉइंट आपको ये माइनस हुआ है, 2.56 पॉइंट टॉप लेवल से अभी तक गिरा है। तो आप इसको मेजरमेंट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप लगाइए तो ये आपका इतना मेजरमेंट आप कर सकते हैं। तो आप अपने आप से किसी भी स्टॉक एंड इंडेक्स को मेजरमेंट करने के लिए ये टूल को आप यूज कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है किसी स्टॉक एंड इंडेक्स को कितना परसेंटेज कितना माइनस हुआ है, तो आप कितना ऊपर गया है, कितना परसेंट कितना नीचे गिरा है, तो आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप देखिए यहाँ से कितना पॉइंट है ना, 13.59% ये नीचे गिरा है, तो इसको आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से मेजरमेंट करो, ठीक यहाँ से मेजरमेंट करो तो आपको डिटेल्स मिल जाता है। तो मेजरमेंट करने के लिए किसी भी स्टॉक एंड इंडेक्स को ये सबसे अच्छा है टूल है, तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप मेजरमेंट करना चाहते हैं कि डे बेसिस में मुझे देखना चाहिए कहाँ से कितना पॉइंट है, तो आप देखिए यहाँ से मेजरमेंट एक लाइन लगाइए। तो आप देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम के साथ या 30 मिनट टाइम फ्रेम के साथ आप लगाइए, तो आज दिन में तो परसेंटेज देखते हैं, लेकिन किसी कैंडल को किसी कैंडल के साथ आप मेजरमेंट करते हैं। तो आप इसको लगाइए तो देखिए ये फर्स्ट कैंडल कितना नीचे गिरा है, कितना परसेंटेज ना 0.33 170 पॉइंट आपको नीचे गिरा है। उसके बाद कितना गिरा है ना आपको 227, और ये दोनों कैंडल को आप जब मिलाकर देखेंगे तभी आपको क्या है ना आपको देखना चाहिए कि ये कैंडल कितना, ये कैंडल कितना ना, ये कैंडल 70 पॉइंट, लेकिन ये कैंडल कितना गिरा है, और ये 70 पॉइंट गिरने के बाद आपको कितने पॉइंट में ऊपर नीचे हो रहा है ये भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये जो मेजरमेंट हो रहा है कितने पॉइंट के साथ ये हो रहा है, तो आप इसको मेजरमेंट करेंगे तो आपको काम करने के लिए आसान हो जाएगा। देखिए ये जो मेजरमेंट हुआ हाई एंड लो पॉइंट में आप लगा दिया, ये हाई एंड लो पॉइंट को आप लगा दिया, देखिए इसमें आपको करीब करीब 0.3 आपको परसेंट 152 पॉइंट में आपको 9:10:30 से लेकर 3:15 तक ये पूरा 5 से 6 घंटे इस लेवल पर आपको कंसोलिडेट हुआ और इस लेवल पर आपको मार्केट देखने के लिए मिला। तो जब तक आप हाई एंड लो पॉइंट मेजरमेंट नहीं करेंगे तब तक के लिए आप किसी हाई के ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, किस लेवल पर क्या हो रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो एक बड़ा टाइम फ्रेम के साथ जब भी मेजरमेंट करना है तो ये जो टूल है इस टूल को आप यूज कीजिए, जिसका नाम है प्राइस रेंज। तो प्राइस रेंज को कैलकुलेशन करने के लिए अच्छा एक टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।